नेक्स्ट वन अगेन सी प्रोग्राम रिप्लेसिंग फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर बाय न्यू कैरेक्टर्स फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। सपोज दैट अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग अवेलेबल है लाइक दैट वी आर हैविंग सम स्ट्रिंग एज समथिंग लाइक अ लेवल। इसे लेवल के केस में जस्ट ई के ऑकरेंस की बात करें तो ई जस्ट कितनी बार ऑकर हुआ है, टू टाइम्स। मैं कह चाहता हूँ ई का फर्स्ट ऑकरेंस मुझे किसी न्यू कैरेक्टर से रिप्लेस कराना है, तो इस केस में सबसे पहले आपको वो कैरेक्टर पास करना होगा, सॉरी फर्स्ट आर्गुमेंट में पास क्या करेंगे, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग, जिससे स्ट्रिंग के लिए आप ऑपरेशन से अप्लाई करना चाहते हो। देन सेकेंड आर्गुमेंट क्या रिक्वायर्ड होगा इस केस में, रिप्लेस्ड कैरेक्टर, मीन्स इस केस में जस्ट रिप्लेस किसको कराना है, ई को। तो सेकेंड आर्गुमेंट में मैंने पास किया जाए सिंगल कोट ई, तो इस केस में जस्ट रिप्लेसमेंट किसके लिए अप्लाई होगा, कैरेक्टर ई के लिए। लेकिन ई के केस में जस्ट ई कितनी बार रिपीट हुआ, टू टाइम्स। ई के सारे ऑकरेंस रिपीट होंगे, रिप्लेस होंगे, और ओनली फर्स्ट ऑकरेंस। नेक्स्ट वन सेकंड केस, ई को रिप्लेस किससे कराना चाहता हूं, जस्ट कैरेक्टर ए से, तो इस केस में मीन्स रिप्लेस्ड बाय, मीन्स ई इज रिप्लेस्ड बाय कैरेक्टर ए, तो इस केस में जस्ट यूज क्या करेंगे, रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन नेम क्या इस केस में, रिप्लेस। रिप्लेसिंग के केसेस में जस्ट आपको टोटल इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड है, देयर आर थ्री इनपुट्स। जस्ट इस ऑपरेशंस के अप्लाई होने के जस्ट बाद एल के प्लेस पर क्या रहेगा, एल, ई के फर्स्ट ऑकरेंस के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, ए, तो फर्स्ट प्लेस पर क्या रहेगा, जस्ट एल ए। रिमेनिंग प्लेस कैसे रहेंगे, रिमेनिंग एज इट इज। इस रिमेनिंग केसेस में आपको कोई भी चेंजेस करना है क्या नहीं, एक बार आपने रिप्लेस ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया, इसके बाद रिमेनिंग केस में आपको लूप कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं। तो रिमेनिंग केसेस में आप जस्ट अप्लाई क्या करो, इस केस में ब्रेक ऑपरेशंस, हाउ, चेक इट। इस केस में आपको कोई भी स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म कराना काफी इजी ऑपरेशन है, मीन सबसे जो भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के सारे के सारे कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट विजिट करेंगे, तो लेफ्ट टू राइट विजिट करने के लिए अगेन मैनेज करेंगे सम फोर लूप। फोर लूप के अंदर एवरी टाइम कैरेक्टर ई, ई क्या समथिंग सी एच, कैरेक्टर सी एच, देन और दिस इज ओल्ड कैरेक्टर, इसको मैं नेम दे रहा हूँ ओल्ड कैरेक्टर, और दिस इज ए इज अ न्यू कैरेक्टर, क्लियर। तो इसके इसमें ओल्ड कैरेक्टर को रिप्लेस किससे कराना, न्यू से, लेकिन ओल्ड कैरेक्टर का वैल्यू एवरी टाइम मैच किससे कराना, गिवन स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर से मैच करने के लिए जस्ट यूज क्या करेंगे, एस ऑफ आई इक्वल इक्वल्स टू ओल्ड कैरेक्टर ई। फाइनली इसके इसमें इफ कंडीशन में टेस्ट क्या करो, जैसे ये कंडीशन ट्रू होता है ई के प्लेस पर जस्ट यूज क्या करेंगे, वेरिएबल नेम एस लाइक ओल्ड। जैसे ये कंडीशन मैच होता है, इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग इफ के अंदर जस्ट परफॉर्म क्या कराएं, सेम इंडेक्स में एस ऑफ आई में असाइन क्या करा देंगे, डायरेक्टली न्यू कैरेक्टर। तो सबसे पहले स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट विजिट करने के लिए यूज क्या करेंगे, फंक्शन नेम एस रिप्लेस, वॉइड रिप्लेस, देन फर्स्ट आर्गुमेंट क्या पास हो रहा है, एज ए कैरेक्टर एरे, रिस्टोर कराने के लिए यूज क्या करेंगे, कैरेक्टर पॉइंटर। इस टोटल ये फंक्शन कितने आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है, इस केस में थ्री आर्गुमेंट, स्ट्रिंग कॉमा सेकेंड आर्गुमेंट क्या है, कैरेक्टर। तो सेकेंड केस में जस्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ किया, केयर ओल्ड केयर, क्लियर। थर्ड आर्गुमेंट क्या है, जस्ट अगेन न्यू कैरेक्टर्स, थर्ड आर्गुमेंट के केस में पास किया रिप्लेस्ड बाय मीन्स न्यू केयर, क्लियर। तो टोटल इस केस में फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स कितने रिक्वायर्ड है, देर आर एग्जैक्टली थ्री आर्गुमेंट्स। नेक्स्ट वन इसे जो भी आप स्ट्रिंग पास करने जा रहे हो, इस स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स को विजिट करने के लिए मैनेज क्या करेंगे, सम लूपिंग स्टेटमेंट, और स्ट्रिंग के ऑल कैरेक्टर्स मैच करने विजिट करने के लिए लूप क्या यूज करेंगे, आई इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसके इसमें आसान क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स कब तक परफॉर्म कराना है ऑपरेशन, जब तक एस ऑफ आई में नल नहीं मिल जाता, मीन्स वाइल एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल विच इज इक्वेलेंट टू एस ऑफ आई। जैसे ही एस ऑफ आई के प्लेस पर नल रिप्लेस होगा, नल मीन्स जीरो, जीरो के इसमें कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, आपको कोई कंपेरिजन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। अदरवाइज आप राइट डाउन क्या कर सकते हो सेम प्लेस पर, एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल, दोनों की मीनिंग कैसे सेम, और नॉट इक्वल टू जीरो, देन आई प्लस प्लस। तो इससे जस्ट लूप के थ्रू स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर विजिट होंगे, देन लूप के अंदर ऑपरेशंस कब परफॉर्म कराना, जब ये गिविन कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो नेक्स्ट टाइम इफ के अंदर एन अदर कंडीशन क्या पास करोगे, इफ एस ऑफ आई, जैसे ही एस ऑफ आई का ऑकरेंस ओल्ड कैरेक्टर से मैच होता है, ओल्ड कैरेक्टर के इसमें वेरिएबल नेम क्या है, ओल्ड केयर, जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई होता है, देन इमीडिएटली एस ऑफ आई में न्यू कैरेक्टर क्या असाइन कराना है, एस ऑफ आई में असाइन क्या हो जाएगा, न्यू केयर मींस थर्ड केयर, न्यू केयर। वन मोर थिंग्स,
जैसे ही ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाएगा देन मींस जैसे ही इस प्लेस पर ई के प्लेस पर ए रिप्लेस हो जाएगा, आपको कंटिन्यू करने की जरूरत ही नहीं, क्यों रिमेनिंग कैरेक्टर्स में कोई ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं हो रहा है, प्लस किसी भी कैरेक्टर का कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, देन इमीडिएटली अप्लाई क्या करो ब्रेक दिस लूप। इस लूप को ब्रेक करने के लिए इफ के अंदर जस्ट राइट डाउन क्या करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट मीन्स ओपनिंग ऑफ द बॉडी देन फाइनली असाइनमेंट। पहले तो आप एग्जिस्टिंग प्लेस पर रिप्लेस क्या कराओगे, न्यू केयर रिप्लेस होने जस्ट बाद लूप को टर्मिनेट करने के लिए यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट, देन क्लोजिंग इफ कंडीशन, क्लोजिंग लूपिंग स्टेटमेंट एंड क्लोजिंग दिस फंक्शंस और फंक्शन बॉडी। देन टेस्ट करने के लिए जस्ट प्रोवाइड करेंगे मेन फंक्शन वॉइड मेन। मेन फंक्शन के अंदर इनपुट्स में जब भी आप इस फंक्शन को लिए ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए इस फंक्शन को कॉल कराओगे, इस केस में इनपुट्स कितने पास होंगे, थ्री इनपुट्स, तो थ्री इनपुट्स को स्टोर कराने के लिए कीवर्ड से रीड कराने के लिए रिक्वायर्ड कितने वेरिएबल्स होंगे, थ्री वेरिएबल्स केयर, देन फर्स्ट केस स्ट्रिंग एस, स्ट्रिंग एस विद मैक्सिमम साइज समथिंग 100। सेकेंड वेरिएबल क्या रिक्वायर्ड है इस केस में, ओल्ड कैरेक्टर पास करने की जरूरत है, इसलिए मैंने वेरिएबल यूज किया है ओल्ड केयर और ओल्ड सी एच कॉमा न्यू सी एच। नेक्स्ट वन इनपुट रीड डाउन कराएंगे गेट्स, सबसे पहले रीड क्या कराना है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रीड करने के बाद ओल्ड कैरेक्टर अगेन गेट्स नॉट अ गेट्स, सिंगल कैरेक्टर रीड करने के लिए मेथड कौन सा यूज करोगे गेट एस गेट केयर सॉरी, देन ओल्ड केयर इक्वल्स टू ओल्ड सी एच इक्वल्स टू गेट केयर फंक्शन। तो गेट केयर फंक्शन से कीवर्ड से डेटा रीड होगा, लेकिन गेट केयर में सपोज डेटा आपने एंटर किया एनी कैरेक्टर लाइक ई, उसके बाद प्रेस क्या करो एंटर की, तो एंटर की अभी बफर में अवेलेबल हुआ, एंटर की को फ्लश कराने के लिए जस्ट यूज क्या करेंगे एफ फ्लस एस टी डी इन, और सिंपली कॉल कर सकते हो इसका अल्टरनेटिव फंक्शन है फ्लश ऑल। दोनों की मीनिंग और वर्किंग कैसे हैं, ऑलमोस्ट सेम, फ्लश ऑल इस प्लस एफ प्लस फंक्शन से ओनली करंट बफर फ्लश होगा, जबकि फ्लश ऑल के थ्रू सारे के सारे बफर फ्लश हो जाएंगे। वर्किंग में आपको ऑलरेडी कंसोल ऑपरेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट वन एफ प्लस के जस्ट बाद नेक्स्ट अगेन वैल्यू किसके लिए रीड कराना, न्यू कैरेक्टर के लिए, तो फिर से कॉल करेंगे न्यू कैरेक्टर न्यू सी एच इक्वल्स टू अगेन वी आर कॉलिंग गेट केयर फंक्शन, देन फाइनली गेट केयर फंक्शन कॉल करने की जस्ट बाद मैं कोड इस प्लेस से कंटिन्यू कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट टाइम आप कॉल क्या करा हुए रिप्लेस मीन्स जस्ट इस प्लेस पर कॉल करेंगे रिप्लेस फंक्शन, और रिप्लेस फंक्शन के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट क्या पास करेंगे स्ट्रिंग एस जो कि ऑलरेडी रिटर्न कर चुके थे, सेकेंड केस में ओल्ड सी एच, थर्ड केस में न्यू सी एच। नेक्स्ट वन वी आर पासिंग ओल्ड कैरेक्टर और एग्जिस्टिंग कैरेक्टर देन न्यू कैरेक्टर मीन जिस कैरेक्टर से आपको रिप्लेस कराना न्यू केयर। नेक्स्ट इसके जस्ट बाद स्ट्रिंग को टेस्ट करने के लिए डिस्प्ले करा लेंगे ऑल कंटेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग इन स्पोर्ट्स एस क्लोजिंग दिस मेन फंक्शन, ये क्लोजिंग किसका जस्ट मेन फंक्शन के लिए। इस ऑपरेशन के बेसिस पर किसी भी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर के फर्स्ट ऑकरेंस को न्यू कैरेक्टर से रिप्लेस कराना पॉसिबल, मीन्स इससे रिप्लेस क्या हुआ ओनली फर्स्ट ऑकरेंस नॉट ऑल ऑकरेंस। सपोज दैट अगर आपको सारे के सारे ऑकरेंस रिप्लेस कराना है तो इस केस में क्या रहेगा जस्ट फर्स्ट ऑकरेंस रिप्लेस होने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट अप्लाई होगा, इससे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आप इस लूप को अगेन कंटिन्यू रखोगे तो इस केस में सारे के सारे ऑकरेंस रिप्लेस हो जाएगा। अगर आप चाहते हो इसे से गिवन कैरेक्टर से एग्जिस्टिंग कैरेक्टर के सारे ऑकरेंस रिमूव कराना देन इस कोड को या ब्रेक स्टेटमेंट को जस्ट अप्लाई करो इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स और जस्ट रिमूव इट, देन इस केस में ये ऑपरेशन सभी केसेस में अप्लाई होंगे। क्लियर मीन्स अगर आपको फर्स्ट ऑकरेंस रिप्लेस कराना है देन यूज क्या करेंगे ब्रेक, अगर आपको सारे के सारे ऑकरेंस रिप्लेस कराना देन विदाउट ब्रेक, देन रिमूव दिस स्टेटमेंट। इस केस में सारे के सारे ऑकरेंसेस ऑफ ओल्ड कैरेक्टर रिप्लेस किस हो जाएंगे ऑकरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर।